एसबीएस न्यूज के लाखों देखने और सुनने वालों का इस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीएस न्यूज में। मैं मोहम्मद अहमद। उत्तर प्रदेश वाराणसी में आज जो है पांडेपुर स्थित ईएसआईसी हॉस्पिटल जो कर्मचारी संघ के लिए है, जिनका बीमा और पीएफ कटता है, उनका यहाँ उपचार किया जाता है, उसी के क्रम में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी जो यहाँ के इंचार्ज वगैरह हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर केवल बीमित व्यक्ति संघ के ही उपचार नहीं, बल्कि यहाँ कोई भी व्यक्ति जो लाभार्थी होना चाहे, वो केवल मात्र 10 रुपये के ही ओपीडी पर्चे पर अपना उपचार करा सकता है। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ, न्यूरोलॉजिस्ट से भी जुड़ी हुई बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। इसी के चलते यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की गई और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लोग लाभार्थी हों, इसके लिए हम प्रेस मीडिया को बुलाकर ये कॉन्फ्रेंस कराया गया। मैं डॉक्टर केशव कुमार अग्रवाल, मैं सब कमेटी है हम लोग की जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए पूरे ईएसआईसी हॉस्पिटल जो कंट्री में है उसकी कमेटी बनाई है। माननीय मंत्री जी श्री संतोष कुमार अग्रवाल जी ने अपने मोदी जी के प्रेरणा से एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का काम पूरे देश के अंदर जितने भी ईएसआईसी के यानी राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अस्पताल हैं उनके अंदर सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट शुरू कैसे हो सकता है, कितनी जल्दी हो सकता है, कितनी अच्छी तरह से हो सकता है, इसके लिए सब कमेटी बनाई गई है। उस सब कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, डॉक्टर केशव कुमार अग्रवाल। मैं कैंसर सर्जन हूँ और बरेली का रहने वाला हूँ। मेरे साथ मिस्टर एस पी तिवारी जी हैं जो उस कमेटी के माननीय सदस्य हैं, और हम लोग पूरे कंट्री के अंदर जाकर चाहे उनके मेडिकल कॉलेज हों चाहे ऐसे हॉस्पिटल्स हों, वहाँ जाकर देख रहे हैं कि सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट यानी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कैंसर का ट्रीटमेंट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का ट्रीटमेंट या न्यूरो सर्जरी का या न्यूरोलॉजी का, ये सारे ट्रीटमेंट हम कहाँ कहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं जो हमारे राज्य बीमा कर्मचारी हैं, यानी जितने भी हमारी वर्कफोर्स है जो वर्क में, जैसा कि आप समझते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं जो इस योजना में लाभान्वित होते हैं, जो आईटीज कहलाते हैं यानी इंश्योर्ड पर्सन कहलाते हैं, उनको हम कैसे इस बीमा का लाभ दे सकते हैं और इन सर्विसेज का लाभ दे सकते हैं जिसको वो लोग उनको दूर दूर ना भटकना पड़े। इसी के साथ साथ जब ये स्पेशलिटी शुरू हो जाएगी तो हमारी एक और इसमें हमारे अस्पतालों ने कार्रवाई शुरू करी है, जो एक अच्छी सेवा शुरू करी है कि जो व्यक्ति गरीब होंगे, जो आसपास के भले ही हमारे इंश्योर्ड नहीं भी हैं, वो भी अगर चाहें तो उन सर्विसेज का, उन स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं और उनको केवल जो केंद्र सरकार की 25% राशि पर भर्ती अपना इलाज करा सकते हैं। और अगर कंसल्टेशन चाहिए होगा तो केवल 10 रुपये पर्चे के ऊपर ही वो किसी भी कंसल्टेंट को यानी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। ये एक स्पेशल सुविधा जनरल पब्लिक के लिए सारे ईएसआईसी हॉस्पिटल्स यानी राज्य कर्मचारी बीमा निगम के जितने अस्पताल हैं उन सबको माननीय मंत्री जी ने शुरू करा दिए पिछले साल से, 2019 से शुरू करा दी गई। सर, ये सुविधा किन किन लोगों की किया गया है जी? इन सुविधा किन किन लोगों को किया गया है? ये सुविधा किन किन लोगों को दिया जाएगा? कोई भी व्यक्ति जैसे मान लीजिए यहाँ बनारस में हमारा ईएसआईसी हॉस्पिटल है, अभी तक जितने भी इंश्योर्ड पर्सन यानी बीमित व्यक्ति हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं, इसी के साथ साथ जनरल पब्लिक आसपास से पूरे बनारस या उसके आसपास के शहरों से कहीं से भी यहाँ पर आके 10 रुपये के पर्ची पर अपना इलाज, कंसल्टेशन यानी परामर्श ले सकती है। अगर उसको भर्ती कर जरूरत पड़ेगी या भर्ती की जरूरत के साथ ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो होती है तो उसके जो रेट निर्धारित है कहीं पर भी उसका केवल 25% देना है। यानी मान लीजिए किसी ऑपरेशन के ऊपर CHS का रेट मान लीजिए 25,000 रुपये है तो यहाँ उसको 7,500 रुपये केवल देने होंगे और उसका सारा कोई खर्चा इसके अलावा नहीं पड़ेगा। ये एक स्पेशल सुविधा ईएसआईसी हॉस्पिटल में पिछले साल से। सर, जब जनरल पब्लिक के लिए भी है तो उसके बावजूद हॉस्पिटल में जो सन्नाटा है क्योंकि लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, अभी भी लोगों में कोरोना होता है। अभी क्या हुआ है, पिछले एक साल से कोविड सारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं जिसमें ईएसआईसी के भी शामिल हैं, इनको कोविड हॉस्पिटल कर दिया गया था। और कोविड हॉस्पिटल की वजह से जनरल पब्लिक को कोशिश करेगी कि बाहर ही रखा जाए जिससे कि वो लोग इन्फेक्ट ना हो पाए, यानी सारे अस्पताल के बेड्स को 100% कोविड कर दिया गया। जितने भी कोविड के पेशेंट्स होंगे उन्हीं को केवल रखा जाएगा, अगर हम उनके साथ जनरल पेशेंट अलाउ करेंगे तो उनको इन्फेक्शन होकर यानी कोविड को स्प्रेड होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इस वजह से पूरे सरकारी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे ईएसआईसी अस्पताल के हों, चाहे केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे राज्य सरकार हो, आज की डेट में अभी तक सभी कोविड बने हुए हैं। अगर उनके यहाँ 2 ब्लॉक सेपरेट हैं, मान लीजिए 100 बेड कहीं पर हैं, 100 बेड कहीं पर हैं, तो उनको भर्ती करने की सुविधा दी गई कि नॉर्मल पेशेंट को भर्ती करिए। अगर सेपरेट ब्लॉक नहीं है और एक ही हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर सारे बेड्स हैं तो अभी भी उनको सुविधा नहीं कि जनरल पेशेंट भर्ती करें, केवल इमरजेंसी को छोड़कर।
और इमरजेंसी क्या होती है, डिलीवरी, सिजेरियन, एक्सीडेंट या कैंसर की कोई कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चल रही है या किसी की डायलिसिस चल रही है, इन चीज़ों को सरकार ने इमरजेंसी में अलाउ किया जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है। मैं SP तिवारी, मैं राष्ट्रीय महामंत्री एक केंद्रीय ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर TUCC एवं श्रमिक प्रतिनिधि राज्य कर्मचारी बीमा निगम में हूँ। और कल मैं यहाँ बनारस के CSI हॉस्पिटल के निरीक्षण पर आया हुआ था। यहाँ हमने निरीक्षण में अपने सारे अधिकारियों के साथ, चिकित्सा अधीक्षक के साथ कल सभा की थी और पूरा ये जो उप क्षेत्रीय कार्यालय है, ये पूरे उप क्षेत्रीय कार्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा की क्या स्थिति है, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर, उस पर पूरा हमने गहन अध्ययन किया था। और उसके बाद हमने अपने अधिकारियों को बहुत सारे निर्देश दिए हैं उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, खास करके आपकी चंदौली की डिस्पेंसरी वहाँ से वापस बुला ली गई थी बनारस, इमीडिएट वहाँ डिस्पेंसरी लागू करने के लिए हमने निर्देश दिया है। मऊ और गाजीपुर के लिए आइदर IMP या डिस्पेंसरी तुरंत करने का हमने निर्देश दिया है। आजमगढ़ के लिए एक IMP की व्यवस्था, आजमगढ़ जैसे ही सर्वे में आ जाए तो वहाँ एक IMP की व्यवस्था करना। जौनपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ये जौनपुर के इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी एक IMP की व्यवस्था करने का हमने निर्देश दिया है। इसके अलावा चूँकि हमारे इस अस्पताल के साथ गोरखपुर की डिस्पेंसरी भी अटैच है, और पीछे मैं जब गोरखपुर के औचक निरीक्षण पर गया था तो वहाँ जो समस्याएं हमारे सामने आई थी कि हमारे जो लाभान्वित लोग हैं उनको सेकेंडरी केयर का ट्रीटमेंट नहीं मिला था, इसलिए कि वहाँ इम्पैनलमेंट नहीं हुआ था राज्य सरकार की तरफ से, और टर्शरी केयर यानी सुपर स्पेशलिटी का भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए हमने राज्य के जो निदेशक थे उनसे हमने बात की थी, और आज जो हमारे अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक हैं उनसे जो जानकारी मिली उनके कार्यालय से कि उस पर उन्होंने कार्रवाई कर ली है और उसका उन्होंने निर्देश दे दिया है, अगले 15 दिन के अंदर गोरखपुर क्षेत्र में सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर के लिए इम्पैनलमेंट का काम शुरू हो जाएगा, और मुझे लगता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक से ये सुविधाएं उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ इन क्षेत्रों का जो हमने डिस्पेंसरी के लिए आपको बताया, वो डिस्पेंसरी के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट मैं बना रहा हूँ, इसका क्षेत्रीय निदेशक को भेजूँगा कि ताकि 31 मार्च के अंदर ये तमाम समस्याओं का समाधान हो जाए और 1 अप्रैल से हमारे सारे लाभार्थियों को अपने घर के बगल में नियरेस्ट स्पॉट पर उनको प्राथमिक उपचार और सेकेंडरी उपचार की सुविधा हो जाए, तो इसकी व्यवस्था पूरी हम लोगों ने कर दी है। बनारस का जहां तक सवाल है, बनारस का ये हमारा हॉस्पिटल चूंकि कोविड हॉस्पिटल था, अभी वहां से निकल करके इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS News और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।